कार्तिक आर्यन ने मारी एक और छलांग, अब मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। फिल्मों में लंबे लंबे मोनोलॉग्स के लिए फेमस बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के सितारे इन दिनों बुलंद हैं। पहले उनकी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई, फिर उन्होंने अपनी फीस भी बढ़ा ली। अब उन्हें एक और खुशखबरी मिली है, कार्तिक आर्यन को बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्हें यह सम्मान दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान दिया जाएगा। यह अवार्ड उन्हें फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी के लिए मिलने वाला है। इस फिल्म में कार्तिक ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से न सिर्फ लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर किया, बल्कि बड़े पर्दे पर उन्हें रोता देख दर्शकों की आंखें भी नम हुईं। खबर है कि फिल्म सीरीज प्यार का पंचनामा से मशहूर हुए कार्तिक आर्यन को संजय लीला भंसाली ने भी अपनी फिल्म ऑफर की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक ने अपनी फीस भी बढ़ा दी है। फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी के लिए उन्हें फीस के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले थे। जिस अवार्ड समारोह में कार्तिक को यह सम्मान मिलेगा, वहीं बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों को भी ट्रॉफी दी जाएगी। रणवीर सिंह में और शाहिद कपूर को फिल्म पद्मावत के लिए और तमन्ना भाटिया को फिल्म बाहुबली में जानदार अभिनय के लिए ब्रिलियंस इन एक्टिंग का अवार्ड मिलेगा। अदिति राव हैदरी को फिल्म भूमि और कृति सैनन को फिल्म रेली की बर्फी के लिए दादा साहेब एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। अनुष्का शर्मा को बतौर निर्माता यह सम्मान मिलने वाला है। वहीं रानी मुखर्जी को फिल्म हिचकी और राजकुमार राव को फिल्म न्यूटन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।